सहकारी विकास निगम और प्रदेश सहकारिता विभाग द्वारा सरकारी विकास में उत्कृष्ट कार्यों का निष्पादन में योगदान देने के लिए शिमला सचिवालय में क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्ट और मेरिट पुरस्कार 2021 का आयोजन किया गया और सहकारी सभाओं की समीक्षा भी की गई। सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले 4 सहकारी सभाओं को सम्मानित भी किया। इस मौके पर सहकारिता मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा कि सहकारिता आंदोलन की भी हिमाचल प्रदेश से शुरुआत हुई थी, इसलिए सहकारी सभाएं प्रदेश में और बेहतर काम करें इसके लिए केंद्र व प्रदेश सरकार प्रयत्न कर रही है। आज 4 सहकारी सभाओं जिनमें 2 बुनकर के क्षेत्र में और 2 कृषि के क्षेत्र में काम करती हैं, उनको प्रोत्साहन देने के रूप में सम्मानित किया है। आर्थिक लोकतंत्र के लिए सहकारिता आंदोलन जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। भारत में जिसे सफेद क्रांति कहते हैं, दुग्ध क्रांति, उसका जो सबसे बड़ी जो है वो पायनियर है वो अमूल है, और अमूल जो है वो एक सहकारी सभा है जो छोटे से गांव से प्रारंभ हुई और आज जो है वो एक किस्म से मल्टीनेशनल के रूप में जो है वो काम करती है, जो बहुत बड़ी सहकारी सभा है। आज NCDC जो नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, भारत सरकार का उपक्रम है, कोऑपरेटिव्स की फाइनेंसिंग करता है, वो हिमाचल प्रदेश में काम करता है। उन्होंने हिमाचल प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ काम कर रहे हैं उनको मेरिट उत्कृष्टता के आधार पर जो है वो सम्मानित किया है, उन्हें इनाम प्रदान किए हैं। इसके लिए बाकायदा उन्होंने रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की अध्यक्षता में जो है वो सिलेक्शन कमेटी बना रखी थी, उसके आधार पर आज 4 कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को, 2 बुनकर सोसाइटीज़ और 2 पैक्स प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, उनको जो है वो सम्मानित किया गया है, उन्हें प्रशस्ति पत्र दिया है, 25,000 का इनाम दिया है। उनके सेक्रेटरीज और अध्यक्ष मेंबर्स जो हैं यहाँ पर उन अवार्ड्स को लेने के लिए उपस्थित थे। कार्यक्रम में NCDC के क्षेत्रीय निदेशक राज वर्मा सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे। K चैनल के लिए शिमला से पुष्पेंद्र कुमार की रिपोर्ट।